भागलपुर में प्रथम चरण में हुए 5 नगर पालिका के चुनाव का मतगणना संपन्न हो गया। सुबह 8 बजे से शुरू हुए मतगणना को लेकर सुबह से प्रत्याशी और उनके समर्थक काफी उत्साहित दिखे। वोटों की गिनती इस बार ऑनलाइन माध्यम से की गई। मतगणना बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के परिसर में चल रही थी। चुनावी मैदान में 443 उम्मीदवार थे। जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों में अलग ही खुशी देखने को मिली। वहीं समर्थकों द्वारा फूल का माला पहनाकर व गुलाल लगाकर विजयी उम्मीदवारों का स्वागत किया गया। निकाय चुनाव का मतगणना 15 हॉल में हुई, जिसके लिए 105 टेबल बनाए गए थे। सुल्तानगंज व नौगछिया के नगर परिषद के लिए 30 टेबल लगाए गए थे, तो कहलगांव, पीरपैंती व अकबर नगर के लिए 15 टेबल पर मतगणना चल रही थी। 5 पार्षद, 5 उप मुख्य पार्षद और 95 वार्ड पार्षद पद के लिए गिनती पूरी हुई। मतगणना को शांतिपूर्ण सम्पन्न करवाया गया। ADM, SDM व अन्य अधिकारी खुद से मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे। 5 निकायों में विजयी मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। अकबर नगर नगर पंचायत से विजयी मुख्य पार्षद किरण देवी, उप मुख्य पार्षद अनिल कुमार। कहलगांव नगर पंचायत से मुख्य पार्षद संजीव कुमार, उप मुख्य पार्षद रेखा कुमारी। पीरपैंती नगर पंचायत से मुख्य पार्षद सोनिका देवी, उप मुख्य पार्षद सबरीन खातून। सुल्तानगंज नगर परिषद से मुख्य पार्षद राजकुमार, उप मुख्य पार्षद नीलम देवी। नौगछिया नगर परिषद से मुख्य पार्षद प्रीति कुमारी, उप मुख्य पार्षद रश्मि रथी। नगर निगम भागलपुर के लिए हो रहे चुनाव प्रचार खत्म होने में अब एक सप्ताह से भी कम समय बच गया है। 26 दिसंबर तक प्रत्याशियों को अपना प्रचार खत्म करना है, जबकि 28 दिसंबर को मेयर, उप मेयर और पार्षद पद के लिए मतदान होना है। अब जब एक सप्ताह से कम समय बचा हुआ है, तो प्रत्याशी हर घर जा जाकर जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिए हैं। प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक भी नजर आ रहे हैं। नगर निगम भागलपुर की मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और लोगों से मिलकर अपने वादों और इरादों से मतदाताओं को अवगत करा रही हैं। साथ ही अपने चुनाव चिन्ह टमटम छाप पर मतदाताओं से वोट करने की अपील कर रही हैं। प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावे उनके पति डॉक्टर बिहारी लाल भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और अपने प्रत्याशी को मत देने की अपील भी कर रहे हैं। डॉक्टर वसुंधरा लाल के साथ उनके समर्थक भी लोगों से मिलकर उनके वादों और इरादों से मतदाताओं को अवगत करा रहे हैं। साथ ही चुनाव चिन्ह टमटम छाप पर मतदाताओं से वोट करने की अपील कर रहे हैं। आज जनसंपर्क अभियान के तहत भागलपुर नगर निगम के मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने जरलाही, गुरट्ठा चौक सहित अन्य जगहों में घूम घूम कर मतदाताओं से मिली और जनता के विचारों से अवगत होते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि उन्हें मतदाताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है, अपनी बातों से मतदाताओं को अवगत करा रही हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि मतदाता इस बार राजनीति और जात पात से उठकर उन्हें वोट करेंगे। साथ उन्होंने कहा कि अभी मैं प्रत्याशी के तौर पर जनता से मिल रही हूं, जनता ने साथ दिया तो अगली बार मेयर बन के जनता के पास आऊंगी और मिलकर उनकी समस्या का समाधान करूंगी। प्रार्थना है कि आप हमें उस पद तक पहुंचाएं। आप लोग इतना मेहनत करें, इतना जोश खरोश से मेहनत करें कि हम वहां तक पहुंच जाए और आपकी सेवा को मैं बखूबी अंजाम। भागलपुर की मेयर कैसी हो? डॉक्टर वसुंधरा लाल जिंदाबाद, टमटम छाप जिंदाबाद। डॉक्टर वसुंधरा लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर वसुंधरा लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागलपुर की जनता जिंदाबाद। जिंदा कैसी हो? वसुंधरा लाल कैसी हो? वसुंधरा लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाल कैसी हो? वसुंधरा लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रत्याशी संतोष कुमार को
भागलपुर के युवा समाज सेवी विजय यादव ने अपना समर्थन दिया है। विजय यादव खुद उनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भागलपुर में उप महापौर पद के लिए कुल 10 लोग उम्मीदवार हैं, पर इन सब में सबसे बेहतर ईमानदार, कर्मठ और काम करने वाला व्यक्ति संतोष कुमार है। विजय यादव ने ये बातें पर्वती कार्य स्थान में आयोजित एक बैठक के दौरान कही। आगे उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों की वोट से संतोष कुमार जीत जाते हैं तो इस समाज के लोगों की कोई समस्या रहेगी तो मैं खुद संतोष कुमार को आप लोगों के बीच लेके आऊंगा और उसका समाधान करवाऊंगा। हम लोग संतोष जी के लिए समर्थन के लिए जो है वोट मांगने आए हुए हैं और आप लोग को भी कहीं ना कहीं पता होगा कि डिप्टी मेयर में 10 कैंडिडेट है और 10 में से ये लगता है सबसे बेहतर और सबसे ईमानदार और सबसे कर्मठ और समाज में काम करने वाला व्यक्ति है तो वो संतोष जी है। इनके समर्थन में आप लोग भी आइए और इनको 8 नंबर पे जो कि पानी का जहाज छाप है इनके वोट देकर आप लोग इसको बहुत ही मोहब्बत से विजयी बनावे ताकि कोई भी समस्या हो समाज में, किसी भी तरह का समस्या हो, उसमें जो है इनकी भागीदारी जरूर से जरूर होगी। और मैं वादा करता हूँ जब भी ये अपने कुर्सी पर विराजमान होंगे और इस समाज में कहीं भी आपको लगता है कि कोई समस्या होगा तो मैं जो है इनको जरूर यहाँ पे बुलाऊंगा और समस्या का। युवा समाज सेवी विजय यादव की बात सुनकर पर्वती के लोगों ने कहा कि चूंकि विजय यादव ने इस समाज के लिए काफी कुछ किया है और जब वो संतोष कुमार का समर्थन कर रहे हैं तो हम समाज वाले भी उप महापौर के पद पर संतोष कुमार का समर्थन करते हैं। दरअसल नगर निगम भागलपुर के लिए हो रहे चुनाव प्रचार खत्म होने में अब 6 दिन का समय बच गया है। 26 दिसंबर तक प्रत्याशियों को अपना प्रचार खत्म करना है जबकि 28 दिसंबर को मतदान होना है। अब जब मात्र 6 दिन का समय बच गया है तो प्रत्याशी हर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और बैठक भी कर रहे हैं। इसी क्रम में उप महापौर के प्रत्याशी संतोष कुमार भी पूरे शहर में जनसंपर्क और बैठक का आयोजन कर रहे हैं। आज पर्वती समाज के लोगों से बातचीत करने के लिए पर्वती काली स्थान में एक बैठक का आयोजन हुआ था जहां पहुंचे विजय यादव ने संतोष कुमार के पक्ष में अपनी राय रखी। वहीं उप महापौर के प्रत्याशी संतोष कुमार ने कहा कि मैं पूरे शहर में घूम कर शहर की समस्याओं से रूबरू हो रहा हूं। अगर आपका प्यार मिलता है और मैं उप महापौर के पद पर आता हूं तो सदैव आपके लिए काम करने के लिए तत्पर रहूंगा। रात या दिन किसी भी समय आप मुझे अपनी समस्या को दूर करने के लिए बुला सकते हैं। जिन्होंने पानी उस समर टेबल का उपयोग किया है हम उनको भी बोल रहे हैं कि कम से कम विजय भैया जो है संतोष भैया के लिए आए हैं आपसे वोट मांगने के लिए, जो उनका डिप्टी मेयर में 8 नंबर का बटन है जिसका पानी का जहाज जो है लेवल है उन पे वोट देकर के अवश्य उसको जीताए। बस यही एक रिक्वेस्ट है मेरा भैया कि जो भी नगर निगम को जो भी समस्या होगा, ठीक है, जो भी समस्या होगा एक बार मेरा कॉल चल जाए, जो भी समस्या जो भी मुख्य लोग है एक बार कॉल चल जाए भैया ऐसा ऐसा काम है मेरा विभाग का जो भी काम है तो सब देख लीजिएगा। बस यही एक इल्तिजा भैया देखते रहिए और जहाँ तक होगा हम सब आपके साथ। एक एक वार्ड को घूम रहा हूँ, अपने पैर से चल के एक एक वार्ड को देख रहा हूँ। शहर में बहुत सारी समस्याएं, इतनी समस्याएं हैं कि जिसका निदान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन समय के अनुसार इसका निदान किया जाएगा और अगर हम लोग पोस्ट पर आते हैं तो बहुत गंभीरता से इस बातों को लेंगे और समस्याएं बहुत है, समस्याएं आपको गिना नहीं पाएंगे हम, क्योंकि अगर आप बाजार जाते हैं तो शौचालय की समस्या है और रोड का हम देख रहे हैं वार्ड वार्ड में घूम के वो रोड की इतनी समस्या खराब है, जर्जर है, पानी की समस्या पूरे वार्ड में नहीं है, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं शहर में जो है, धूल कण की समस्याएं हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो कि निदान कर पाना समय के साथ इसका निदान हो पाएगा। अगर हम लोग चुनाव में जीत कर आते हैं तो इसका हम लोग निदान करेंगे और भैया का प्यार बना हुआ है, विजय भैया का, सभी लोगों का प्यार बना हुआ है। अगर प्यार बरकरार सभी लोगों का रहता है तो चुनाव जीत कर अगर आते हैं तो हम आपके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और काम को एकदम निरंतर करते रहेंगे। आप हमें 12 बजे दिन 12 बजे रात में जब भी आप कीजिएगा, जब कभी आप कीजिएगा तो हम आप लोगों के बीच में उपस्थित रहेंगे। इसी बोली के साथ मैं अपना बातों को विराम देता हूँ। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आदर्श नगर गांव में 25 वर्षीय गोपाल कुमार की जिंदा जलाकर हत्या मामले का पुलिस ने महज 18 घंटे के भीतर उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल दो अपराधियों को
हत्या में प्रयुक्त खून लगा ईट और मृतक के मोबाइल के कवर के साथ धर दबोचा। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि आदर्श नगर गांव के बिहार में 25 वर्षीय गोपाल कुमार की हत्या कर अपराधियों ने बीती रात्रि हत्या कर साक्ष को छुपाने के उद्देश्य से सबको जला दिया था। घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के भाई गोविंद कुमार ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कांड में नीज गांव के रहने वाले खाजा कुमार और छोटू कुमार को नामजद आरोपी बनाया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के आदेश अनुसार नगर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया गया। टीम के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं स्वान दस्ता FSL टीम की सहायता से भौतिक साक्ष्यों का संकलन किया गया एवं कांड में संलिप्त नामजद अभियुक्त खाजा कुमार और छोटू कुमार को धर दबोचा गया। घटना के बाबत डीएसपी ने बताया कि खाजा कुमार और छोटू कुमार आदर्श नगर में अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे। इसी दौरान दोनों मृतक गोपाल से उसका मोबाइल रंगदारी के रूप में लेना चाहते थे और इसका विरोध करने पर दोनों ने इसकी हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिली कि आदर्श नगर बहियार में एक व्यक्ति को निर्मम तरीके से मार दिया गया, उसे जला दिया गया। सूचना मिलते ही हमारी पुलिस टीम जो है घटनास्थल पर पहुंची और वहां पे उसके परिवार वाले भी थे, उन्होंने चिन्हित किया बॉडी को और उसके बाद जो मृतक का भाई था उसके बयान पर केस दर्ज किया गया। उसने दो नामजद व्यक्ति का नाम दिया, खाजा और छोटू, इन दोनों को। और क्योंकि कांड जो है बहुत गंभीर था, इसकी गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर द्वारा और पुलिस अधीक्षक नगर के मॉनिटरिंग में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया पुलिस टीम का, और उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए FSL टीम और डॉग स्क्वाड और वैज्ञानिक अनुसंधान इन सबको यूज़ करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों लोग को, दो प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया और एक जो है अप्राथमिकी अभियुक्त उसको गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही पर पकड़े गए अभियुक्त के निशानदेही पर जी जी, क्या उसका नाम था? छोटू उसका नाम था। उसके निशानदेही पर एक अप्राथमिकी अभियुक्त जो भी घटना में शामिल था उसको गिरफ्तार किया गया था। और ये 7 बजे की तकरीबन घटना है, 7 बजे की घटना है और उसको गोपाल को ले गया गया था और वहाँ पे स्टेशन के जस्ट पीछे वहाँ पे उसको मार के जला दिया गया था। और मेन जो कारण इसका रहा है कि जो काजा है और छोटू है ये एक वर्चस्व कायम करना चाहते थे आदर्श नगर में और वहाँ पे ये लोग जो है चिंता ये सभी घटना भी करते थे और रंगदारी के तौर पर गोपाल का मोबाइल वो चाहते थे कि वो दे दे और क्योंकि उसने नहीं दिया मोबाइल उसका, वो महंगा मोबाइल था, तो उसने प्रतिशोध लेते हुए इन लोगों ने मिल के उसको मार दिया, हत्या कर दिया। मोबाइल के लिए उनकी हत्या की गई जी। अच्छा, ये सर उसको मार करके जलाया गया या पहले जलाया गया? नहीं, पहले मार दिया गया और उसके सबूत साक्ष्य मिटाने के क्रम में उसको जो है जलाया गया। पहले से कोई विवाद ही दोनों के बीच? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि वर्चस्व, ये एक वर्चस्व कायम करना चाहते थे और आदर्श नगर में जो काजा है और इनके परिवार के ऊपर भी केसेस दर्ज हैं, तो जो वर्चस्व की लड़ाई थी जो उसमें कहीं ना कहीं रंगदारी मांगा गया इससे कि तुम अपना मोबाइल दे दो और नहीं मोबाइल दोगे तो हम तुमसे मतलब गलत कृत्य किया उसके कारण। दोनों की गिरफ्तारी सर कहाँ से? देखिए, एक की जो काजा जो मेन अभियुक्त था और जो कि मेन लीडर है इसका, एक की गिरफ्तारी पटना से की हमारी टीम ने और उसके बाद फिर दूसरा जो है हमने पहले ही दिन इन्वेस्टिगेशन में FSL डॉग स्क्वाड और वैज्ञानिक अनुसंधान के मदद से हमने पहला जो छोटू था, छोटू माझी, उसको गिरफ्तार किया। घटना को अंजाम कितने बजे दिया गया था रात में? तकरीबन 7 बजे के बाद। नगर पालिका के दूसरे चरण में 28 दिसंबर को होने वाले भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। इस दौरान सबसे ज्यादा लोगों के विरोध का सामना भागलपुर नगर निगम की निवर्तमान महापौर सीमा शाह और उसके पति जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह को झेलना पड़ रहा है। देर शाम सीमा शाह के पति जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार टुनटुन शाह पीरपैती के पूर्व विधायक अमन पासवान कार्यकर्ताओं के साथ सीमा शाह के प्रचार के लिए मोहद्दी नगर पासवान टोला पहुंचे, जहां मोहल्ले के लोगों ने नेताओं का जमकर विरोध कर दिया और इन लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सीमा शाह उनके वार्ड से जीती थी और मेयर बनी थी, इसके बावजूद भी मूलभूत सुविधा से मोहल्ले के लोग महफूज रहे। नाली सफाई हो या फिर पानी की समस्या या फिर बिजली की समस्या, किसी पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह ने कहा कि लोगों का विरोध और समर्थन राजनीति का हिस्सा है, सभी लोग उनके हैं और समय पर सभी को
मना लिया जाएगा। लाइट ना है। नाम क्या? एक मिनट रुको ना, ये नीलम देवी। नीलम देवी विरोध कर रहे हैं आप लोग? उनका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोध किस वजह से हुआ? विरोध इस वजह से हुआ कि इस मोहल्ला में वो कोई सुविधा नहीं दे रहा है। अच्छा, बाकी बात अगला बार मैं बोल रहा है कि उस मोहल्ला में जब कोई साइन करवाने के लिए जाता है तो यही जवाब देता है कि क्या चीज का साइन करेंगे, अगला पारी तो पैसा लेकर के वोट खरीदे। हाँ, ये चीज चर्चा में है, क्या बोल रहा था दो दो। हमारा कहने का मतलब है कि अगर वो बता सकता है ना कि किसको पैसा दिया है किसको नहीं दिया है, उस पर भी हम लोग कितना बार लाइन के विषय में बोल चुके हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग का कोई समाधान नहीं हो रहा है, फिर हम लोग का घर अंधेरा रहेगा तो हम लोग विरोध करेंगे। पानी भी वो 5 साल से नहीं दिया मोहल्ला में, तो पानी जब वो पानी नहीं दिया तो फिर वोट क्या चीज का मांगने। सीमा सर जब जीती थी तो एक बार भी आया था देखने के लिए? कभी भी नहीं आई है वो। अभी प्रत्याशी? अच्छा, अभी अभी प्रत्याशी है वो, एक बार भी आई क्या? नहीं, कभी नहीं आई है। कौन आए थे वोट मांगने के लिए उसके बाद? वोट मांगने के लिए इसके बाद जो अभी आया है तो ही चुन चुन अभी आया है, और कहे के लिए वो आएगी? वो नहीं आई है। ऐसे ना कि एक बार जब वो शिवालय में आई थी जिस समय बोरिंग की थी तो हम बोले कि ठीक है शिवालय में आप बोरिंग किए हैं तो एक पाइप हम लोग के इधर दौड़ा दीजिए, जब बोलने लगे तो वो बोला कि जनता है तो जनता तरह रहिए, ज्यादा मत बोलिए। कौन ये सीमा साहब? सीमा साहब बोली थी तो फिर क्या चीज का उसको हम अथी करें? क्या कहे ना विरोध करें? अभी वो उस समय बोली जनता, अभी तो जनता ही के पास ना आया। हमारी पत्नी यहाँ से वार्ड पार्षद बनी, मेयर बनी, 5 साल तक उन्होंने रहा और 5 साल तक 2 साल कोरोना का काल रहा, उसके बाद 3 साल आप देखबे कि अविश्वास के प्रस्ताव में 4-4 बार अविश्वास लगा, उसके बाद भी सब झेली। जनता जो वोट देती है वही जनता जिंदाबाद करती है, जनता का बोलने का अधिकार है, जनता का कुछ हम लोग परिवार हैं, हम लोग को जनता जिताया है, जनता को पूर्ण रूपेण बोलने का अधिकार। लेकिन इन लोगों का कहना है अध्यक्ष जी की मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए थी वो तक नहीं मिल पाई। देखिए मूलभूत सुविधा जैसे पानी, साफ सफाई, हर घर में नल का जल चला, साफ सफाई हुआ, टेंडर यहाँ हुआ, साफ सफाई कैंसिल हो गया, उसके बाद फिर 1 साल जानिए रहे हम लोग निवर्तमान में हैं, सीमा साहब निवर्तमान है, 1 साल से कोई काम नहीं हुआ तो वाजी भाई इनका गुस्सा। उसके बाद जो आप जानते हैं कुछ पार्टी पॉलिटिक्स लोग होते हैं, कुछ आप कैसे समझाएंगे इन लोगों को? समझाएंगे बनाएंगे हम लोग को जनता, आप देखिएगा कभी जनता जो हम लोग रुष्ट होगा, कभी वो फूल का माला भी पहनाएगा, बिल्कुल आएंगे शिकायत तो कहे करेगा, आप लोग देख ही रहे हैं विरोध करेगा, उसका सामने करेंगे हम, उसका सामना करेंगे। और हमारा परिवार का लोग हमको वोट दिया है, हम उनका ऋणी है और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ऋणी रहेंगे हम लोग।